उत्साह और उमंग का त्योहार क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मौके पर हर चर्च रोशनी से जगमगा गई, लोग चर्च में प्रार्थना के लिए पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व के करीब 150 करोड़ लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो लगभग 160 देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह आकांक्षाओं और उम्मीदों का त्योहार है, सकारात्मक सपनों का त्योहार है। हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही लुधियाना की सभी चर्च में लोगों ने प्रभु के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दिन को मनाने के लिए शहर की प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही। अज साडा शुभ दिहाड़ा क्रिसमस, जिहड़ा कि वड्डे दिन तो जाणिया जांदा है और पूरे वर्ल्ड वाइड च यह त्यौहार मनाया जांदा है। असी सारे भरावां ते भैणां नूं मातावां नूं इस दिन दीआं शुभकामनावां दिंदे हां। और प्रभु यीशु मसीह दा इस दिन जन्म होया सी, उहनां दा इक मोटिव सीगा कि जियो ते जीने दो। असी उसी राह ते चलदे हां ते असी नवें साल दीआं सब नूं वधाईआं दिंदे हां 2020 दीआं, और ये शुभकामना दिंदे हां कि नवां साल तुहाडे लई बहुत सारी बरकतां लैके आवे ते क्रिसमस दी एक वारी फिर तो वधाईआं, धन्नवाद जी। मैं पास्टर अलीशा, द टेंपल ऑफ गॉड चर्च अज 25 दिसंबर दिहाड़ा मनाया जा रहा है और इस मौके पर असी देशवासियों को बधाई देने हाँ और देश में शांति लिए दुआ करते हैं और मेल भाईचारा वध्या रहे। असी रल मिल के इधर त्यौहार सैलीब्रेट करते रहिए। इतने अनेक प्रकार के लोग पहुंचे ने, हर राजनीति दल और पुलिस कमिश्नर्स, हर तरह का मुलाजम इस जगह पर अवेलेबल है और सब मिलकर असी भाईचारे को सद्दा दिता है और इस सैलीब्रेट कर रहे हैं।